आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। झरिया के ईजे एरिया भौरा के साथ किसान विस्थापित संघर्ष समिति की विभिन्न मांगों को लेकर बागवाना विधायक ढुल्लू महतो की भौरी ईजे एरिया जीएम से वार्ता। वार्ता के दौरान विधायक ने कहा कि माफिया की माफियागिरी नहीं चलेगी, यहां के स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देना होगा, जमीन के बदले जो भी इनकी जो जायज मांग है उनको पूरा करना होगा। इन समस्या को लेकर वार्ता सकारात्मक रही। मौके पर विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि ईजे एरिया भौरा के द्वारा यहां के विस्थापितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इनका विरोध गांव के लोगों ने किया है। यहां पर किसी भी कीमत पर बीसीसीएल की मनमानी चलने नहीं दी जाएगी, जबरन किसी का भी जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। माफिया और राइफल और बंदूक के बदौलत काम कर ले तो यह संभव नहीं है। विस्थापितों को जमीन के बदले अधिकार मिलना चाहिए, इसी विषय को लेकर डीएम से वार्ता हुई है, जिसमें जीवन साहब ने स्वीकार किया है कि जमीन इन लोगों की है। 87 में इन लोगों को डिग्री हुआ था, उस पर जबरन काम किया जा रहा था, जिसे तत्काल रोक दिया गया है। और यह भी आश्वस्त किया कि हम लोग बहुत जल्द बैठक कर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। एरिया 11 मतलब ईजी एरिया में जिस तरह से बीसीसीएल के द्वारा यहाँ के विस्थापितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसका विरोध गांव के लोगों ने किया है। और ये किसी भी कीमत पर बीसीसीएल का मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे, जबरन किसी का जमीन काट ले, माफिया के बदौलत, राइफल और बंदूक के बदौलत अगर चाहेगा कि हम काम कर ले तो ये संभव नहीं है। अगर विस्थापित लोगों का अगर जमीन जा रहा तो उन लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, सब जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिलेगा। और ये इसी विषय को लेकर यहाँ के जीएम से बात हो रही थी, तो जीएम ने भी स्वीकार किया कि जमीन इन लोगों का है, 87 में भी इन लोगों का डिग्री हो चुका है जमीन में, उस पर जबरन काम किया जा रहा था, तत्काल उस जमीन पर काम को रोका गया है। और ये अस्वस्थ किए हैं जीएम साहब कि हम लोग बहुत जल्द इसका एक बैठक करके गांव के लोगों को जो नियमित मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। नहीं, सरकार बदलते ही धनबाद में कोयला चोरी जो बढ़ गया, कोयला चोरी तो चरम सीमा पर, इसका तो कोई कहना ही नहीं है, तो आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं।